हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंड मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UET PG फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UET PG 2024 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट has extended up to 7th of February 2024. So this video is very useful for various university and institutes MPH and MHA entrance exams like CUT PG, AIIMS Raipur, AIIMS Rishikesh, AIIMS Jodhpur, PGIMER Chandigarh, TISS Mumbai, JIPMER Pondicherry, IIPH, NIMHANS Bangalore, JNU Hyderabad University, ICMR Bhubaneswar, Pune University, Lucknow University, Rajiv Gandhi Health University and for all other university and institutes which conducts MPH, MHA and other competitive exams and students who are preparing for various university and institutes, public health, hospital administration and other competitive exams and for this if they want online or offline coaching and want important questions, PDF notes, they can WhatsApp on 9411513974 and for the preparation of competitive exams there is a WhatsApp group which link you will get in description box. Kindly subscribe to the channel so that you can get the information for important videos and get the information for various admissions and jobs. Kindly like, share and comment this video. So here first question is, doctors use electrocardiogram ECG to. Doctors use electrocardiogram ECG to option A, estimate the volume of blood pumped by the heart per minute, option B, detect changes in the electrical impulses in the heart during its contraction and relaxation, option C, determine the changes in the sound pattern during opening and closure of valves, option D, compare the sound waves resulting from vibration produced by cardiac muscles during pumping of heart. So correct answer is option B, that is detect changes in the electrical impulses in the heart during its contraction and relaxation. So doctors use electrocardiogram ECG to, correct answer is detect changes in the electrical impulses in the heart during its contraction and relaxation. So doctors जो electrocardiogram ECG का use करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में होते हैं हार्ट के ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आयोडीन। सो हियर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। करेक्ट आंसर इज आयोडीन। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। सो आयोडीन मिनरल इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आयोडीन मिनरल इसेंशियल होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज, वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए NH51, ऑप्शन बी NH15, ऑप्शन सी N1H5, ऑप्शन डी N5H1। करेक्ट आंसर इज N5H1। वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज N5H1। जो वायरस होता है बर्ड फ्लू का उसको N5H1 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करेक्टली द इंसेक्ट वेक्टर्स इन लिस्ट फर्स्ट विद द डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय देम गिवन इन लिस्ट सेकंड। सो मैच करेक्टली विद द इंसेक्ट वेक्टर्स इन लिस्ट फर्स्ट में इंसेक्ट वेक्टर्स विद द डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय देम गिवन इन लिस्ट सेकंड में डिजीजेस हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में है इंसेक्ट वेक्टर्स और लिस्ट सेकंड में है डिजीजेस। तो लिस्ट फर्स्ट में ए है एनाफिलीज फीमेल, बी है क्यूलेक्स, सी सैंड फ्लाई, डी सीसी फ्लाई। लिट सेकंड में डिसीजेज है काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, फिलेरियसिस, मलेरिया। तो यहाँ पे मैच करेक्टली द इंसेक्ट वेक्टर्स इन लिस्ट फर्स्ट में जो इंसेक्ट वेक्टर्स हैं विद द डिसीजेज ट्रांसमिटेड बाय देम इन लिस्ट सेकंड में जो डिसीजेज उनके द्वारा ट्रांसमिटेड हो रहे हैं उनको करेक्टली मैच करना है।
तो ये जो एनाफिलीज फीमेल है, इंसेक्ट वेक्टर्स, इसके द्वारा जो डिसीज ट्रांसमिट होती है वो होता है मलेरिया। तो एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया डिसीज ट्रांसमिट होती है। क्यूलेक्स के द्वारा फिलेरियसिस डिसीज, सैंड फ्लाई के द्वारा काला आजार, और सीसी फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस। तो वो बहुत ही अच्छी, ये इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन है, एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है, क्यूलेक्स के द्वारा फिलेरियसिस डिसीज, सैंड फ्लाई के द्वारा काला आजार, और सीसी फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस डिसीज ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपीटी वैक्सीन, अ मिक्सर ऑफ थ्री वैक्सीन्स, इज यूज्ड टू इम्यूनाइज अगेंस्ट थ्री मेडिकल कंडीशन डिसीजेस। दीज मेडिकल कंडीशन डिसीजेस आर द डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो कि एक मिक्सर होता है थ्री वैक्सीन्स का, तीन वैक्सीन का, इज यूज टू इम्यूनाइज अगेंस्ट थ्री मेडिकल कंडीशन। तो ये यूज होता है इम्यूनाइज करने के लिए थ्री मेडिकल कंडीशन डिसीजेस के अगेंस्ट। दीज मेडिकल कंडीशंस डिसीजेज आर, ये जो मेडिकल कंडीशंस या डिसीजेज हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी डायरिया, परस्यूसिस, टेटनस। ऑप्शन सी डायरिया, परस्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन डी डिप्थीरिया, परस्यूसिस, टेटनस। करेक्ट आंसर इज डिप्थीरिया, परस्यूसिस, टेटनस। तो यहाँ हेयर क्वेश्चन इज द डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो कि एक मिक्सर है थ्री वैक्सीन का, इज यूज टू इम्यूनाइज अगेंस्ट थ्री मेडिकल कंडीशंस और डिसीजेस। इसका यूज होता है इम्यूनाइज करने के लिए तीन मेडिकल कंडीशंस या डिसीजेस को। तीज मेडिकल कंडीशंस और डिसीजेस आर, ये जो मेडिकल कंडीशंस या डिसीजेस हैं ये हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है लिस्ट सेकेंड के साथ। तो इन लिस्ट फर्स्ट ए इज ईईजी, दैट इज इलेक्ट्रो एनसेफलो ग्राम ग्राफ। बी इज ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सी इज ईओजी, दैट इज इलेक्ट्रो ऑकुलो ऑक्लोग्राम। डी इज ईएमजी, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सो करेक्ट मैच ऑफ ईईजी, दैट इज इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम ग्राफ इज विद ब्रेन। जो ईईजी टेस्ट है एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको ब्रेन की एक्टिविटी को जानने के लिए किया जाता है। और जो करेक्ट मैच है ईसीजी का इज विद हार्ट, ईसीजी डेट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो करेक्ट मैच ऑफ ईसीजी इज विद हार्ट, एंड करेक्ट मैच ऑफ ईओजी डेट इज इलेक्ट्रो ऑक्लोग्राम इज विद आई, एंड करेक्ट मैच ऑफ ईएमजी डेट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज विद मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्प अ पर्सन टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गिविटी। रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो रेगुलर इंटेक होता है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, इज रिकमेंडेड इन द डाइट, इसको डाइट में रिकमेंड किया जाता है सिंस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ये गुड सोर्स होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स के। हेल्प अ पर्सन टू मेंटेन हेल्थ, जो कि हेल्प करते हैं पर्सन को मेंटेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एंड प्रमोट लॉन्गिविटी, और लॉन्गिविटी को प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शन से ए दे एक्टिवेट द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन द बॉडी एंड हेल्प प्रिवेंट विटामिन डिफिशियंसी। ऑप्शन बी दे प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन दी बॉडी एंड हेल्प अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन डी दे एक्टिवेट सर्टेन जीन्स इन दी सेल्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्प डिले द एजिंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। सो हेयर क्वेश्चन इज रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो रेगुलर इंटेक है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, इज रिकमेंडेड इन द डाइट, डाइट में उसको रिकमेंड किया जाता है सिंस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, वो एक अच्छे सोर्स है एंटी ऑक्सीडेंट्स के। हेल्प अ पर्सन टू मेंटेन हेल्थ, हेल्प करते हैं पर्सन को हेल्थ मेंटेन करने के लिए, एंड प्रमोट लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी को प्रमोट करते हैं। दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेज दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स। तो एक कंपनी मार्केटिंग जो फूड प्रोडक्ट, एक कंपनी जो कि मार्केट करती है, मार्केटिंग करती है फूड प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजेज एडवर्टाइज करती है दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स। ये एडवर्टाइज करती है कि इसके जो आइटम्स है इसमें ट्रांस फैट्स नहीं है। व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर? ये जो कैंपेन है ये क्या सिग्निफाई करता है कस्टमर्स को? फर्स्ट स्टेटमेंट है द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। सेकेंड स्टेटमेंट द फूड प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ एनिमल फैट और ऑयल्स। थर्ड स्टेटमेंट द ऑयल्स यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फर्स्ट ओनली। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सो द स्टेटमेंट फर्स्ट दैट इज द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड द सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दैट इज द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट और ऑयल्स, द ऑयल्स यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कस्टमर, दिस स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो हेयर क्वेश्चन इज अ कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स, एक कंपनी जो मार्केट करता है, मार्केटिंग करती है फूड प्रोडक्ट्स की, एडवर्टाइजेज दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स। तो ये एडवर्टाइज करती है कि इसके जो आइटम्स हैं उसमें ट्रांस फैट्स नहीं है। व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर्स? ये जो कैंपेन है, ये जो प्रचार है, ये क्या सिग्निफाई करता है कस्टमर्स को? तो करेक्ट आंसर है इसका द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स और आयंस इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ बट काउजेज मॉटलिंग ऑफ द टीथ इफ कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज। सो हेयर क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स और आयंस, इनमें से कौन से जो एलिमेंट्स या आयंस हैं इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज में ये आवश्यक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ, हेल्दी टीथ के डेवलपमेंट के लिए, बट काउजेज मॉटलिंग ऑफ द टीथ, पर ये काउज करते हैं मॉटलिंग ऑफ द टीथ को इफ कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज, अगर हायर क्वांटिटीज में इनको कंज्यूम किया जाता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी फ्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लोराइड। सो हेयर क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट और आयंस, इनमें से कौन से एलिमेंट या आयंस हैं इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज में वो आवश्यक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ, हेल्दी टीथ के डेवलपमेंट के लिए, बट काउजेज मॉटलिंग ऑफ द टीथ इफ कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज, अगर हायर क्वांटिटीज में उनको लिया जाता है तो वो मॉटलिंग ऑफ टीथ को काउज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज, इनमें से कौन सी जो डिसीजेज है, बीमारियां हैं, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज एड्स, सेकेंड सिरोसिस, थर्ड हेपेटाइटिस बी, फोर्थ सिफिलिस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली। सो जो यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ऐसी जो डिसीजेज जो ट्रांसमिट होती हैं वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वो है यहाँ पे एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस ऐसी डिसीजेज हैं जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, और सिरोसिस जो डिसीज है ये ट्रांसमिट नहीं होती वन पर्सन से अनदर पर्सन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आईबॉल ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आईबॉल के कॉन्ट्रेक्शन के कारण ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली, जो एक लॉन्ग साइटेड आई है वो क्या देख सकती है केवल? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आईबॉल अ लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली।
ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल, आईबॉल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण अ लॉन्ग साइटेड आई, एक लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली, केवल देख सकती है। करेक्ट आंसर है फार्दर ऑब्जेक्ट्स विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वे लेंस। फार्दर ऑब्जेक्ट्स को, दूर के ऑब्जेक्ट को जो कि करेक्टेड किए जाते हैं यूजिंग कॉन्वे लेंस के यूज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट्स डेट कैन ट्रांसमिट डिसीजेस टू ह्यूमंस आर ह्यूमन आर रिफर्ड टू एज। इंसेक्ट्स डेट कैन ट्रांसमिट डिसीजेस टू ह्यूमन, इंसेक्ट्स जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं डिसीजेस बीमारियों को ह्यूमन में, आर रिफर्ड टू एज, उनको रिफर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए कैरियर्स, ऑप्शन बी रिजर्वायर्स, ऑप्शन सी वेक्टर्स, ऑप्शन डी इंक्यूबेटर्स। करेक्ट आंसर है वेक्टर्स। इंसेक्ट्स डेट कैन ट्रांसमिट डिसीजेस टू ह्यूमन, इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं डिसीजेस बीमारियों के ह्यूमन में, उनको रिफर्ड किया जाता है वेक्टर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 113 टू 114, 113 और 114 क्वेश्चंस के लिए। द फॉलोइंग सिक्स आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे जो सिक्स आइटम्स है इसमें ये कंसिस्ट है, इसमें शामिल है दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। यू आर टू एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर टू दीज आइटम यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यू आर टू एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली, आपको एग्जामिन करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर टू दीज आइटम, और इन सेलेक्ट करना है आइटम्स आंसर इन इन आइटम्स का यूजिंग द कोड गिवन बिलो, जो कोड गए हैं उनके अनुसार। कोड ए पे है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली अलग अलग ट्रू हैं और स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो कोड ए है। कोड बी होगा अगर बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, यदि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो कोड बी है। कोड सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स है तो कोड सी है। और कोड डी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है बट स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है तो कोड डी है। तो 113 में स्टेटमेंट फर्स्ट है ए मायोपिक पर्सन इज एडवाइज टू यूज कॉन्केव लेंस, मायोपिक पर्सन को एडवाइस किया जाता है कॉन्केव लेंस यूज करने के लिए। स्टेटमेंट सेकेंड है द आई लेंस ऑफ अ मायोपिक पर्सन फोकसेस द पैरेलल्ड रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो आई लेंस है मायोपिक पर्सन की वो फोकसेस करती है पैरेलल्ड रेज को कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट, दूर से जो आ रही है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ए मायोपिक पर्सन इज एडवाइज टू यूज कॉन्केव लेंस, मायोपिक पर्सन को एडवाइस किया जाता है कॉन्केव लेंस यूज करने के लिए। और स्टेटमेंट सेकेंड द आई लेंस ऑफ अ मायोपिक पर्सन फोकसेस द पैरेलल्ड रेज, दो आई लेंस है मायोपिक पर्सन की वो फोकसेस करती है पैरेलल्ड रेज पे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट, जो कि दूर से आ रही हैं ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी सेल्स रिलीजेस डेंजरस फ्री रेडिकल्स। सो स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी सेल्स रिलीजेस डेंजरस फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेशन जो होते हैं हमारी बॉडी सेल्स के वो रिलीज करते हैं डेंजरस फ्री रेडिकल्स को। स्टेटमेंट सेकेंड है अवर बॉडी इट सेल्फ प्रोड्यूसेज एंटी ऑक्सीडेंट्स टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। अवर बॉडी इट सेल्फ प्रोड्यूसेज, हमारी बॉडी जो अपने आप प्रोड्यूस करती है एंटी ऑक्सीडेंट्स को टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, न्यूट्रलाइज करने के लिए हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, डेट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट डेट इज ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी सेल्स रिलीजेस डेंजरस फ्री रेडिकल्स,
ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी का होता है वो सेल्स का वो रिलीज करता है डेंजरस फ्री रेडिकल्स को। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड स्टेटमेंट सेकंड, दैट इज अवर बॉडी सेल प्रोड्यूसेस ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थैल्मिया इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जीरोप्थैल्मिया जो है ह्यूमन बींग्स में वो उसका वो काउज का उसका जो कारण होता है किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन ए। जीरोप्थैल्मिया इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। जीरोप्थैल्मिया जो ह्यूमन बींग्स में है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर ऑफ डिसीज स्लीपिंग सिकनेस इज। जो वेक्टर है डिसीज डिसीज जो बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन सी सीसी फ्लाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सीसी फ्लाई। द वेक्टर ऑफ डिसीज स्लीपिंग सिकनेस इज, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी का जो वेक्टर होता है वो होता है सीसी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन, किसने इन्वेंट किया है वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स के लिए। ऑप्शन ए सर फेडरिक ग्रांट बेंटिंग, ऑप्शन बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लुइस पाश्चर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने इन्वेंट किया था वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एसोसिएटेड है डिस्कवरी ऑफ खोज से किसकी। ऑप्शन ए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी लॉज ऑफ हेरिडिटी, ऑप्शन सी ट्यूबर। ट्यूबरकल बैसिलस, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। करेक्ट आंसर इज पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो एसोसिएटेड है पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैथेरिसिस। कैथेरिसिस क्या है। ऑप्शन ए बर्ड इन न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ए वाइल्ड एनिमल, ऑप्शन सी इमोशनल रिलीज, ऑप्शन डी ए कैरेक्टर इन ग्रीक ड्रामा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इमोशनल रिलीज। सो व्हाट इज कैथेरेसिस। कैथेरेसिस इमोशनल रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो किसका वेक्टर है। ऑप्शन ए डेंगी फीवर, ऑप्शन बी येलो फीवर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी फिलेरियसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया का वेक्टर है। सो इन दिस वीडियो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज बीन गिवन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमपीएच एंड एमएचए फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट लाइक सीयूटी, पीजी, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, टीआईएसएस मुंबई, जिपमेर पौंडचेरी, आईआईपीएच, निमहांस बेंगलोर, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आईसीएमआर भुवनेश्वर, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी एंड फोर ऑल अदर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विच कंडक्ट्स एमपीएच एंड एमएचए एंट्रेंस एग्जाम्स एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड फॉर दिस इफ दे वॉन्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग एंड वॉन्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पी डी एफ नोट दे कैन व्हाट्सअप ऑन 9411513974 एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम देर इज अ व्हाट्सअप ग्रुप विच लिंक यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Kindly subscribe to the channel so that you can get the information for important videos and get the information for various admissions and jobs. Kindly like, share and comment this video. Thanks for watching this video.